अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज मोइज़ रहमान और आप देख रहे हैं एन इन्फॉर्मेशन टीवी। तो गैस, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ फिक्स, कि ये फिक्स क्या था और मतलब कुछ दिन से या कुछ टाइम से अभी इस मंथ के अंदर ये सब कुछ चल रहा था यूट्यूब के अंदर, वाई टी स्टूडियो में, तो ये था क्या, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सब आपको मिल सकें। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि ये सब कुछ था क्या और ये क्यों हुआ। मैं आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखाता रहता हूँ कि मतलब ये कैसा हुआ ये सब कुछ। तो पहली बात तो ये कि 13 जुलाई से सब्सक्राइबर के अंदर थोड़ा मसला हुआ कि इनकरेक्ट आपको डेटा दिखाया जा रहा था 365 डेज के अंदर, ठीक है, और किसी किसी को 28 में भी दिखाई दे रहा था और किसी को 48 आवर्स में भी दिखाई दे रहा था। तो ये सब कुछ था कि आप थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो सब्सक्राइबर का था, कुछ ड्रॉप हो रहे थे, कुछ में किसी को माइनस में दिखाया जा रहा था वाई टी स्टूडियो में, तो ऐसा कुछ था नहीं वैसे, और ये सब कुछ ठीक भी किया गया बाद में। और फिर वॉच टाइम का भी 17 जुलाई से ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, अभी आपके सामने पिक्स भी आ रही होंगी तो आप देख सकते हैं। तो अभी ये सब कुछ था कि और हर यूट्यूबर के साथ ये चीज़ हुई है, तो ये क्या सीन था मैं आपको अभी ये सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ये भी सब कुछ सर्च किया और मैंने देखा तो मुझे एक वीडियो भी नहीं मिली कि मतलब कि कोई एक वीडियो इंसान डाल देता ताकि सबको ये बात पता चल जाती कि सब कुछ क्यों हुआ। तो पहली बात तो ये है कि यूट्यूब हर साल ये चीज़ करता है, अब वो क्यों करता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उनकी जितनी भी एप्स होती हैं उनको सबको भी वापस डेवलप करना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उनके क्या बोलते हैं रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब आप रिपेयर ना करो उस ऐप को, आप उसके अंदर कुछ न्यू चीज़ नहीं लाओ, न्यू फंक्शन नहीं लाओ, और यूट्यूब ये हर चीज़ करता रहता है हर 2-3 मंथ बाद, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है जो कि उनकी ऐप रिपेयर होती है, उनकी जो वाई टी स्टूडियो की जो ऐप है वो रिपेयर होती है, तो ये सब के अंदर इनको हर एक साल बाद ये करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली या इस तरह की कोई बात नहीं है या कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सब कुछ था, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जब आपने देखा होगा जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उसके बाद वाई टी स्टूडियो ने भी आपसे कहा कि आप इस चीज़ को अपडेट करो, आपको यूट्यूब ने भी कहा कि आप अपने यूट्यूब को अपडेट करो, और उसमें एक चीज़ वाजह लिखी हुई थी कि आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है कि उसमें लिखा हुआ है कि हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, इसकी जो इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर और कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, इसके अंदर कुछ फंक्शन चेंज किए होंगे, तो वो सब कुछ ये कर रहे थे। तो उसके बाद आपने अपडेट किया और अब वो सब कुछ ठीक हो चुका है। तो ये नॉर्मली एक चीज़ है जो कि सब कुछ होता है और करना भी पड़ता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका डेटा रखना, उनकी ये सब चीज़ें, तो ये सब कुछ था और इतनी सी चीज़ थी, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये वीडियो आज के लिए नहीं है, ये सब कुछ तो आज खत्म हो चुका है, बट क्या है कि आइंदा आने वाले जितने भी साल हैं उसके अंदर अगर कोई ये वीडियो सर्च करेगा तो उसको कम से कम मेरी वीडियो तो जरूर मिलेगी कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।